हाँ जी भाइयों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए RS अग्रवाल बुक से रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसका पहला प्रश्न है आज का, और हमारी प्रश्नावली संख्या है 18A। 18A का पहला प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चाल हमारी कितनी रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में रखी है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। पहले तो ये हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटे रखी है, गुणा क्या करेंगे, 5/18। ठीक है, ये घड़ी हमारी 3 बार और ये घड़ी 6/5 बार। ठीक है, 5 × 5 = 5 बार कितना हो गया, 25/3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये थी हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बना ली हमने मीटर प्रति सेकंड, तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी रखी है हमें, 100 मीटर, ठीक है, समय यह आ गई हमारी 25/3, समय हमें निकालना है, तो चाल तो हमारी ये है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, समय निकालना है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। चाल कितनी हुई हमारी, 25/3, तो क्या करेंगे हम, 25 ही आ गया, 3 है तो 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 हमारा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 3/25। 25 से कट गया 4 बार, 4 × 12 सेकेंड, और यही आ गया हमारा इसका आंसर। कितना टाइम लगेगा बार करने में, 12 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। एक सौ 71 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी तय करेगी, वो दूरी तय करेगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म प्लस पुल की लंबाई, क्योंकि पुल को पार कर रही है रेलगाड़ी, और पुल की लंबाई पार करेगी तभी तो वो डिस्टेंस पूरा होगा उसका। अब हम इसको दूरी हमारी दर ये दे रखा है, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे पहले, तो 45 × 5/18, एक रहे हमारा 6 × 6 = 18, एक रहे 15 बार, 15 × 3 = 45, एक रहे 3 × 2 बार, और 15 कट गया हमारा 3 × कितनी बार, 5 बार, 5 × 5 = 25/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी मीटर पर सेकंड हो गई। और पूछा है हमसे क्या, कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या हुआ, दोनों जो दूरी है उसकी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 171 प्लस 229 बटे में क्या आएगा, 25/2, दो हमारा क्या होगा ऊपर पहुंच जाएगा, दो हमारे यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम, बराबर होगा हमारा 9 × 10^0, हाँ से लगा 1,
दो तीन, तीन और सात, 10 की 0 हाथ से लगाए, एक दौड़ दो, 400 गुणा 2 बटे 25, 25 से ये कट गया हमारा, 25 से कम 25, बचा हमारा 25 से कम 25, बचा 15, 150, 25 के 150 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गए, टाइम कितना लगा 32 सेकेंड का, ठीक है मैम। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ये रही नेक्स्ट वीडियो आपकी। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी चाल कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी अपने समान, मतलब जितनी रेलगाड़ी है उतना ही प्लेटफार्म होगा, तो 180 प्लस 180 बटे समय कितना है 18 सेकेंड, यह हो गया 36 360 बटे 18 18 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है कितना आया 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चलते हैं नेक्स्ट चैनल पे। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमारी ये मीटर में दे रखी है और स्पीड दे रखी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आते हैं। पहले 60 × 5/18, 6 से कट गया 10 बार, 6 × 3 = 18 बराबर कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है वो, पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की कितनी है 125 मीटर प्लस पुल की लंबाई मान लिया हमने L बटे 50/30, ठीक है, बराबर समय कितना है 30 सेकेंड, हमारा 3 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो 3 × 125 ये हो गया 125 प्लस L 3, ठीक है बराबर 50 × 30, इसी कैसी गुणा हुई हमारी, ऐसा समझ दोस्तों 125 थी 375 प्लस 3L बराबर 5 × 15 1500, तो L बराबर कितना हो गया 1500 माइनस 375 बटे 3
ठीक है दोस्तों। अब देखो कैसे करेंगे इसे, यहाँ से 5, 10 में से 5 हो गया 5, 9 में से 7 हो गया 2, यहाँ से हमारे 4, 4 में से 3 हो गया 1 और 1 बटे 3, 3 किया 9, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375 कितना आया, 375 मीटर, 375 मीटर, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकेगी? ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे उसका स्पीड का अंतर बटे बिना रुके स्पीड। इसका होगा स्पीड का अंतर कितना है, 90 माइनस 80 बटे 90 गुणा समय कितना है, एक घंटा, एक घंटा गुणा घंटा हमारे वाले मिनट 60 मिनट। ठीक है, बराबर हो गया हमारा 10 बटे 90 गुणा 60, 0 से 0 गई। ठीक है ना, ये बड़े हमारा 3 दिया 9, 3 दूनी 6, मतलब 20 बटे 3 मिनट प्रति घंटा, मिनट प्रति, ठीक है मिनट प्रति घंटा हो गया। अब क्या करेंगे इसे, 3 छिंग 18, 2 बटे 3, यही इसका आंसर आया। ठीक है, 6 सही 2 बटे 3। एक घंटे में हमारी कितनी रुकेगी, वो 6 सही 2 बटे 3 मिनट, एक घंटे में रुकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम चार बार उतार दूरी बैठे समय, दूरी कितनी रखिए 250 और समय 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड से काटेंगे तो कितना कटेगा, 16 सही 2 बटे 3, ठीक है मीटर पर सेकेंड आ गए। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, सोलती करता है सर, 250 बटे 3 ये भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसे, 50 बटे 3 गुणा 18 बटे 5, ठीक है 5 से हमारा ये कट गया, 5 50 और 3 से कट गया
तीन छः 18, 10 गुणा 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी हमारी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारे आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो हमने इसे लिए किलोमीटर प्रति घंटा में निकाली है, और ये होगी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सौ 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार कर जाता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो क्या करेंगे इसमें? हम इसमें प्लेटफार्म की लंबाई मान लेंगे। माना प्लेटफार्म की लंबाई मान लिया हमने L, ठीक है, और हमारी चाल किसमें रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और उधर रखा है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 108 गुणा 5/18, 18 से ये कट गया 6 बार, और 6×5=30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब क्या कह रहा है वो, 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो दूरी कितनी है? 240 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हमने एल मान रखी है, समय कितना है 20 सेकंड पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट पार करता है, ठीक है, बराबर है ये 20 है, तो हम क्या करेंगे, कैंची गुणा होगी इसकी, 240 प्लस एल बराबर 400, एल बराबर कितना हो गया, 240 माइनस 400 माइनस 240 160, ठीक है दोस्तों। ओ सॉरी, इसमें ये मीटर 30 मीटर प्रति सेकंड है, ये है हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड, और हम लिख दिया यहाँ 20, ये 30 आएगा, ठीक है, तो 30 दूनी 60 मतलब 600, अब ये 600 में से 240 घटाया तो हमारा गया 360, एल बराबर 360 लंबाई हुई, एल बराबर कितना हो गया, मतलब प्लेटफार्म की लंबाई 360, और प्लेटफार्म को एक व्यक्ति प्लेटफार्म कितने बार कर रहा है, 5 मिनट में, तो 360/5, ये हो गया 360/5, 5 मिनट है, इसका सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 गई, 6×36, 6/5 बराबर कितना हुआ, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर, रेलगाड़ी की चाल कितनी है?
ठीक है दोस्तों। मान लिया हमने एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा इतने मीटर लंबे को पुल को, तो मान लिया हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे हम L, ठीक है। रेलगाड़ी लंबाई हमने L मान ली, तो क्या करेंगे हम, ये 600 प्लस L कितने पार कर रही है, 35 सेकंड में बटे 35, ठीक है, बराबर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड पार कर जाती है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई L बटे 5 ऐसा क्रॉस गुणा कर लेंगे, ठीक है, 6×6=30 प्लस 5L बराबर 35L, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 30L बराबर 3000, L बराबर 3000 बटे 30, ये 0 से 0 गई, इससे कट गया एक बार, 100 बार कट गया, L बराबर हो गया हमारा 100, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 100 मीटर। जब ट्रेन की लंबाई हमारी 100 मीटर है, ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, चाल पूछिए हमसे, तो 100/5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ऐसे किलोमीटर में बनाना है तो 20×18/5 ये किलोमीटर में बना देंगे, इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में 5 सेकंड गए, 4×5=20, 18×72 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आठ किलोमीटर पूछता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड पूछता है तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आपके सामने ये आ गया। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देख फ्रेंड्स, 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी लंबाई मान ली हमने L, तो ये हुई 122 प्लस L बटे 17 बराबर 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड पार करती है, 210 प्लस L बटे 25, ठीक है दोस्तों। इसी हो जाएगी एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हुआ 350 प्लस 25 L बराबर हो गया 3570 प्लस 17 L, ठीक है दोस्तों। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, 8 L बराबर, ये इधर आएगा 17 तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर बचा हमारा 520 तो L बराबर कितना हुआ, L बराबर 520/8 बराबर हो गया 65, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 65 मीटर, ये हुई ट्रेन की लंबाई। अब क्या करेंगे हमसे, ये 210 प्लस L है, L की जगह हमने 65/25 बराबर हुई हमारी 275/25, 25 से कट गया 11 बार,
ठीक है, तो क्या हुई 11 मीटर प्रति सेकंड। ग्यारह मीटर प्रति सेकंड। हर पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा में कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा हुई, तो 11 गुणा 18/5 बराबर हुई 198/5। इसे काटेंगे हम तो ये कटेगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। उनतालीस पॉइंट छः किलोमीटर प्रति घंटा ये हुआ हमारा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लिया हमने रेलगाड़ी की का समय जो माना, हमने समय जो लगा वो लगा टी समय, ठीक है। इसमें समय मान लेते हैं हम टी, ठीक है। तो क्या होगा 240/T बराबर, 240 तो हमारी है ही रेलगाड़ी की लंबाई, तो प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के दोगुना, रेलगाड़ी के लंबाई के दोगुना प्लस 200 और 240, ये हुए हमारे 480/ कितना समय लग रहा है? टी तो पहले लग रहा था, अब 40 सेकंड अधिक लग रहे हैं प्लस 40, तो ये हुए हमारा 240/T बराबर 720/T प्लस 40, ठीक है। इससे ये कट गया हमारा 3 बार, 3T बराबर T प्लस 40 और 2T बराबर 40। T बराबर हो गया 40/T बराबर कितना आ गया? T बराबर हो गया 20 हमारा, ठीक है। जब T बराबर हमारा 20 आ गया तो 4 बार होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 240/ समय कितना है? टाइम 20 आ रहा है, इससे ये कट गया। जीरो से जीरो गई और ये कट गया 12 बार आपका, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? मान लिया हमने इसकी लंबाई मान लिया L, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 110 मीटर लंबाई रेल की है प्लस L/ 40 सेकंड ले रहा है बराबर L/ कितना है 30, प्लेटफार्म को पार करने में, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को लड़के को पार करने में ले रहा है 30, ठीक है। तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 330, 3 और 3 30, 3300, ठीक है प्लस 30L
बराबर चालीस एल। ठीक है, अब ये भार इधर जाएगा तो क्या बचा, दस एल बराबर 3300। एल बराबर कितना आएगा, 330 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई, 330 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो एक ही दिशा में क्या होगा, एक ही दिशा में जाना तो चाल घट जाती है हमारी, यही 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में ला लेंगे, 5/18। ठीक है, 18 से एक कट गया हमारा 6 3 18 और 6 2 12, 5 2 10 6 3 5 2 10 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हमसे, 10/3 बराबर 2 रेलगाड़ी कितनी है लंबाई, 240 मीटर। ठीक है, तो 240 प्लस 240 बटे टी जो है 10/3 बराबर हो गया 240 480 बटे टी। इस जीरो से हम इसको काट देंगे, 48 बन गया, तो टी बराबर कितना हो गया, 48 × 3 144 सेकेंड। कितना लगा, 144 सेकेंड। अब पूछता है ऐसे कि कितने मिनट लगे, कितने मिनट कितने सेकेंड, तो 144/60 ये हो गया 2 मिनट 24 सेकेंड। और ये इसका आंसर है। अब मिनट में हो 2 मिनट 24 सेकेंड और सेकेंड में आए तो 144 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब का लाल कलर का आइकन है उसे प्रेस करें, उसे प्रेस करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी ऑन कर लें जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।